नमस्ते शिवाय, मैं सबको आज फेसबुक लाइव से थोड़ा अपडेट करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं प्रणजीत नमशूद्र जो सुरमा से थे, जिनका कल रात बेरहमी से हत्या किया गया, उनके परिवार को एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे प्रणजीत नमशूद्र हमारा तिपरा माथा का वॉरियर था, और उनका जो बलिदान है, कुर्बानी है, सैक्रिफाइस है, वो हम नहीं भूलेंगे। हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, और उनके बच्चे का, उनका परिवार का कुछ भी अगर कोई हेल्प हो तो हम तैयार हैं हमेशा उनके परिवार के संग खड़ा होने के लिए। पॉलिटिक्स में वायलेंस सबसे खराब चीज़ होता है, और मैंने हमेशा एक बात बोला है कि पॉलिटिक्स 5 साल में एक बार आता है, लेकिन जब सोसाइटी पॉलिटिक्स के नाम में बढ़ जाता है तो वो जब भाई भाई से लड़ता है, परिवार परिवार से लड़ता है, तो वो सोसाइटी वापस एक नहीं होती। और जो हमारे प्रणजीत नमशूद्र के साथ हुआ कल रात, उनका हत्या, ये इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा, जिसने कहा था जीरो वायलेंस। इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहाँ? डेमोक्रेसी में पब्लिक का अधिकार है, वो जिसको भी वोट करना चाहे वोट करे, लेकिन आप किसी को मार के, पीट के, जान से मार के आप किसको डराना चाहते हैं? आप कितनों को मारेंगे? एक को, पांच को, 10 को, 15 को? लेकिन इसका जवाब तो पब्लिक देगी। ये पब्लिक, ये पुराना पब्लिक नहीं है, डर के घर में बैठ जाएंगे अगर गुंडे लोग निकल कर शराब पीकर किसी को मारपीट कर रहे। ये पब्लिक जानती है कि 16 तारीख फरवरी में किनने किसके ऊपर अत्याचार किया, किन्होंने गुंडे का सहारा लेकर किनको दड़ाया, और पब्लिक चुपचाप बैठी है। 16 तारीख को जब वो वोटिंग करेंगे तो वो जानते हैं कि वो किसको बाहर करेंगे। तो ये जो पावर आपके अंदर है, जो सत्ता का गुरूर है, प्लीज समझ लीजिए, ये पूरा जिंदगी नहीं रहेगा आपके साथ। समझ लीजिए कि आपने अगर एक प्रणजीत नमोशूद्र को मारा तो 1,000 प्रणजीत नमोशूद्र उठेंगे आपके खिलाफ। ये इतिहास गवाह है कि आप आवाज को जितना भी दबाने की कोशिश करोगे, आवाज उतना ही उठेगा। आज मैं आपसे और एक बात बोलना चाहता हूं कि ये जो मैं दिल्ली में हूँ, हमने मुलाकात भी की है, और मेरा पॉइंट एकदम क्लियर है कि मैं अपने लोगों को झूठ नहीं बोल सकता। मैं यहाँ तक आया हूँ, मेरे वॉरियर्स, मेरे गरीब गांव में रहने वाले लोग, उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से। आज इलेक्शन के पहले मैं अपना डिमांड को छोड़ के अपना लोगों को, विश्वास को तोड़ के मैं पावर में आने से ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। लोगों का विश्वास तोड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं मर जाऊं, और मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आदत हो गया है कि सब अंचुलिक पार्टी पिछले 40 साल से इलेक्शन के पहले बड़े बड़े बात करते हैं, इलेक्शन के थोड़े दिन पहले अपना डिमांड को बंद करके बिना लोगों के बारे सोच के अलायंस कर लेते हैं। मैं ऐसा इंसान नहीं।
तो मेरे मुलाकात हुआ, मैंने अपना बात रखा। मैं आशा करता हूँ कि मेरा बात को सुना जाएगा, अगर नहीं सुना जाएगा तो ठीक है, मेरा किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मैं अपने बलबूते में जो मेरा क्षमता है, मैं उसके क्षमता में आपके सपोर्ट से मैं फाइट करूँ। लेकिन अपने लोगों को झूठ बोलकर मुझे पॉलिटिक्स में नहीं रहना। देखिए, भगवान ने सब कुछ दिया, घर दिया, महल दिया, पैसा दिया, लेकिन एक चीज आपको खुद कमाना पड़ता है जिंदगी में, वो है अच्छा नाम। और वो आप तभी कमा सकते हैं जब आप अपने बूढ़े, अपने यूथ, अपने माँ, अपने गुरुई जो गांव में बैठकर आशा कर रहा है कि बुबागरा कुछ करेगा हमारे लिए, उनको धोखा देकर मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं है। बहुत लोग कह रहे थे उस दिन कि ये तो पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं दिल से अपना समाज का कल्याण करना चाहता हूँ, किसी के खिलाफ भी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये इनका डिमांड कम्युनल। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आज तक मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उग्रवादी ग्रुप से बात करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसे पार्टी से बात करती है जो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन लोगों से बात करते हैं जो देश के खिलाफ है। लेकिन हम जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया त्रिपुरा के लोगों ने चुना है, उनसे बात करने में हिचकिचाती है। क्यों? आदत पड़ गया है, आदत पड़ गया है हमें हल्का लेने के लिए। और मैं अपने लोगों को, मैं त्रिपुरा में था 3 दिन, इतने लोग आए टिकट मांगे, एक बात उनको क्लियरली कहना चाहता हूँ कि टिकट के बारे बाद में, के बारे पहले सोचो, दोफा के बारे पहले सोचो। मैं फाइट करूँगा अपने लोगों के लिए, और अगर आपको अपने टिकट के लिए फाइट करना है, अपने लिए फाइट करना है, तो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ, हमारा समाज ऐसे गद्दार को विश्वास नहीं करेगा। ये फाइट आपका नहीं है, ये फाइट हमारे गांव का लोगों का है, ये फाइट आखिरी तक चलेगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। प्रणजीत नमशूद्र के फैमिली को हम लोग सहायता करेंगे, और हर वॉरियर, बंगाली हो, मुसलमान हो, तिपरासा हो, मणिपुरी हो, आदिवासी हो, मेरा YTF वॉरियर्स को मैं मैसेज दे रहा हूँ, आपका कर्तव्य बनता है आज से कि हमारे जो कमज़ोर लोग हैं उनका रक्षा करने के लिए झगड़ा मत करो, वायलेंस मत करो, लेकिन प्रोटेक्शन ज़रूर दो। हम अपने गांव में अपने कमज़ोर लोगों का सुरक्षा करें। लाइनो हम बाय खुलुंखा, धन्यवाद।